यहाँ पर सभी लोग हो गए तैयार और अब जो है दार्जिलिंग ट्रिप की शुरुआत कर रहे हैं और हॉर्स राइडिंग सबका भी एक्टिविटी सब देख रहे हैं यहाँ पर, तो मन तो कर रहा है हॉर्स राइडिंग करने का। यहाँ पर देख सकते हैं ढेर सारा झंडा सब लगा हुआ है और शायद फीफा वर्ल्ड कप को लेकर के यह सब कुछ। देख सकते हैं आपका प्यारा है, इसका नाम है महाकाल मार्केट है ना, और यहाँ पे उलिंग का ड्रेस बहुत अच्छे से मिल रहा है, देख सकते हैं आप। भोजन पानी करके जी आ गए हैं एक नया रूम देखने के लिए, क्योंकि जो हमारा रूम है वो जो हमने एक ही दिन के लिए बुक किया था गलती कर दी थी, दो दिन के लिए सीधा बुक कर लेना चाहिए था। कहे कि आप जो एक्सटेंड कर दीजिए, तो कहे कि ऑलरेडी बुक हो चुका है इसलिए जो है आपको रूम नहीं दे सकते। तो फिलहाल हम लोग दूसरा रूम देख रहे हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पर एक रूम है और शायद इसके साथ एक पीछे भी है। रूम तो हमने देख लिया जी, और उसके बाद जो है वह जो रूम हमने देखा वह था एक फैमिली कॉटेज, और उसके साथ दिक्कत क्या था कि दो रूम था, ज्वाइंट रूम था, दोनों का रास्ता जो है मतलब कि एक रूम से दूसरे रूम जा सकते हैं, लेकिन बाथरूम बस एक ही था। वह मुझे सही नहीं लगा, तो हम लोगों ने जो है दूसरी कैटेगरी का रूम ले लिया जिसको बोल रहे हैं ये लोग हेरिटेज प्रीमियम, तो वह हमने बुक कर लिया। और हम लोग जो है कोई दूसरा होटल नहीं चाहते थे कि वहां पर जाए, क्योंकि उसके लिए दिक्कत हो जाती बच्चे के साथ जो है अपना लगेज और ये सब लेकर के थोड़ा मुश्किल हो जाता है वहां पर जाना, तो हम लोग बिल्कुल टाइम लगता है। और यहाँ पर अच्छा क्या है, इसी होटल में सब कुछ है, इनके स्टाफ भी है, तो सामान भी वही लोग शिफ्ट कर देंगे, तो यह अच्छा है जी। तो ऐसा करते हैं फिलहाल हम लोग अब निकलते हैं, प्रियांश जो है वहाँ सो रहा है तो प्रियांश को भी ले लेते हैं गोद में। हम लोग अब रूम से निकल चुके हैं, आ रहे चेकआउट। तो हम लोग यहाँ से चल रहे हैं जी अपने नए रूम में, और यहाँ से आपको व्यू दिखाते हैं, क्या शानदार व्यू है, जबरदस्त व्यू है, और यहाँ जो है बैठने का सिस्टम भी आगे बना हुआ, तो वहाँ जा करके हम लोग बैठ सकते हैं। और क्रियांश तो अभी तक सोया हुआ था, लेकिन अब जो है क्रियांश जग चुका है। क्रियांश आप चाहते हैं एंजॉय नहीं करें? बिल्कुल एंजॉय करें, एंजॉय करने के लिए ही आया है, और किस लिए आया है ये देखो, ये तो एक बैठने वाला सिस्टम समझ में आता है, ये शायद घूमने वाला है बच्चे का। किसकी गोदी हो तुम? पूरा गला का चेन निकाल के ले लेगा, ढूंढ रहा है कुछ मिलना चाहिए। कोई मतलब नहीं, दुनिया में सबके साथ चल रहा है। यहाँ शिवांश को देख सकते हैं, उसको निकाला गया वहाँ से, और यहाँ जो है बच्चों को पकड़ करके जो है थोड़ा रखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बाउंड्री है ही नहीं, थोड़ा सा खतरा है इधर। तो फाइनली जी हम आ गए हैं अपने रूम में, और रूम जो है हमें अलॉट कर दिया गया है, और आपको जो है ऐसा करते हैं रूम टूर करा देते हैं। और यहाँ जो रूम है जी यहाँ एक कॉटेज टाइप का है, और वुडन है यहाँ का बेस, तो काफी अच्छा लग रहा है, और हीटर सब भी दिया हुआ है। पिछला जो रूम था वहाँ पर कोई भी हीटर और वो सब नहीं था, वैसे हीटर वहाँ जो नहीं दिया था तो कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था, क्योंकि लगता है उस घर का कंस्ट्रक्शन ही ऐसा था कि हम लोग को ज्यादा ठंड नहीं लग रही थी वहाँ पर। अच्छा दिया है ये सब, वाह। और ये लग रहा है जी अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ है, क्योंकि सारा स्ट्रक्चर सब जो है हमको लग रहा है कि अंग्रेज सब का। और बात क्या है कि यहाँ जितना भी रूम है ना सब अंग्रेज के नाम पर है, कैमेलिया वही हो सकता है अंग्रेजों की रानी हो या जो भी हो। तो यहाँ पर आपको दिखाते हैं जी क्या क्या है, तो सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं यहाँ है अलमीरा एक दिया हुआ है, अच्छा खासा स्पेस है, और यहाँ विंडो है, बाहर का जो है व्यू ले सकते हैं, लेकिन बाहर क्या देखेंगे आप, वही बिल्डिंग और टंकी। साथ में जो है यह सोफा दिया हुआ है, सोफा के साथ साथ जो है एक टेबल दिया हुआ है जिसके ऊपर हम लोगों ने ट्रॉली बैग अभी रखा हुआ है, वो खुला हुआ है, तो ये जितना भी ट्रॉली बैग है सबको हम लोग वहाँ पर रखेंगे। और यहाँ भी एक टेबल दिया हुआ है और कुर्सी दिया हुआ है, अगर आपको कुछ काम करना है, खाना है, तो यहाँ पर कर सकते हैं। टीवी भी दिया हुआ है, और यहाँ जो बेड है इसमें खासियत क्या है कि इसमें हीटर लगा करके रखा हुआ है दोनों साइड से, देख सकते हैं एक इस साइड से है और एक दूसरी साइड से है। और बाकी क्रियांश यहाँ पर जो है दूध पी रहा है, तो इसको जो है अपना भोजन करने देते हैं। और यहाँ से जी आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं, देख सकते हैं पूरा वुडन है इसका बेस, और यहाँ पर लगता है कि स्टोर रूम है यह। हाँ जी, यह स्टोर रूम ही है, और यहाँ से बाहर का नजारा देख सकते हैं कितना अच्छा जैसा नजारा है। और ऊपर में जो है लगभग चार रूम है, नीचे रूम है। One hour later. तो यहाँ पर सभी लोग हो गए तैयार और अब जो है दार्जिलिंग ट्रिप की शुरुआत कर रहे हैं। जब से आए हैं दार्जिलिंग हम लोग घूमे नहीं है, लगभग लगता है डेढ़ दिन जो है हम लोग अपना रूम में ही आराम करके बिताए हैं, और चलते हैं अभी वैसे बज चुका है ढाई, और कितना ही स्पॉट घूम पाएंगे, जितना घूम पाएंगे आज घूमेंगे, और कल सुबह 4 बजे से लेकिन हम लोगों का जो है ट्रिप शुरू हो जाएगा, उस समय मेन ट्रिप होगा। पूजा कह रही है चलो जी आज शॉपिंग कर लेंगे कुछ, बहुत सस्ता सस्ता है। सस्ता तो नहीं बोले जी, तुम खुद लगाई क्योंकि तुम देख के 250-300 देख के तो हम समझ गए ना, तो क्यों बोल रही है, मेरा बिना कहे बात समझ गई है। तब 200 ने या फिर फायदा क्या, वैसे जो इसको मॉल ले गए थे ना बहुत महंगा है, नहीं लेंगे बहुत महंगा है। देखो अगर महंगी चीज ले रहे हो
तो उसके लिए टाइम भी देना पड़ता है कि हाँ अच्छी हो और बाद में यूज कर सके, एक बार पहन के मुझे फेंकना नहीं है इस वजह से। हाँ। और अभी हम लोग जा रहे हैं मॉल रोड, देखते हैं, मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम है, उस बार आए भी थे तो नहीं जा पाए थे, तो चलते हैं। और अभी हम लोग इस साइड से जा रहे थे, फुटपाथ से नहीं जा रहे थे, तो पुलिस ने बोला कि आप लोग फुटपाथ से चलो, और हम लोग इसलिए जा रहे थे क्योंकि हम लोगों को पता नहीं था, तो फिर हम लोग इधर आ गए। बउआ भी उठ चुका है और पूरा एंजॉय कर रहा है। तो ये मॉल रोड है क्या? मेरे पास ना इतना सारा सामान है ना, चढ़ने में बहुत दिक्कत हो रहा है। तो फाइनली जी हम लोग पहुंच गए हैं मॉल रोड, और यहाँ से नजारा देख सकते हैं कि मॉल रोड मतलब हुआ वही जहाँ पर मार्केट एरिया रहता है और एक वॉकिंग स्ट्रीट जैसा रहता है, कुछ इतना भी मेजर टूरिस्ट प्लेस है, स्पेशली जो भी बाहर वाला इलाका है वहाँ आपको मॉल रोड जरूर मिलेगा। अब आगे हैं जी हम लोग मॉल रोड के एकदम बीच इलाका में, और यहाँ पर देख रहे अच्छा खासा स्पेस है और एक स्क्रीन भी लगा हुआ है जिसमें कुछ प्ले हो रहा है, पता नहीं क्या प्ले हो रहा है, देखते हैं। फिलहाल आपको यहाँ का नजारा दिखाते हैं, वहाँ देख सकते हैं जी अपना चल रही है, क्रियांश का सारा सामान लिए हुई है और हम यहाँ क्रियांश को लिए हुए, क्रियांश भी एकदम नजारा ले रहा है और आपको भी दिखाते हैं यहाँ का व्यू, काफी अच्छा लग रहा है जी यहाँ पर, ये देख सकते हैं जी यहाँ पर देख सकते हैं ढेर सारा झंडा सब लगा हुआ है, शायद फीफा वर्ल्ड कप को लेकर के यह सब कुछ, फीफा वर्ल्ड कप को लेकर के क्या ये सारा वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप हमारा विलेज ही ऑर्गेनाइज कर रहा है ना, अच्छा फॉल शो है, आपको आ जाना ठीक है, उखाड़ देंगे सबको। अच्छा ओके ओके, शिमला का जो था दारीज उसी टाइप का ही है, वहाँ भी एक ऐसा स्पॉट था वहाँ से देखने लायक, लेकिन यहाँ सीढ़ी सब बना हुआ है वहाँ पर, वो अच्छा चीज है। रॉक गार्डन में भी ऐसे बना हुआ था ना, याद है आपको, उसका सीढ़ी सब बना रहता है, बहुत टीवी भी टाइप का भी लगा हुआ था रॉक गार्डन में। हम लोग जी घूमते घूमते थोड़ा सा थक गए थे और यहाँ पर आ गए हैं बैठने के लिए, और काफी अच्छा लग रहा है यहाँ जहाँ बैठे हुए हैं, सूर्य की रोशनी सीधी आ रही है और मौसम जो है ना ठंडा लग रहा है ना गर्म है, गर्मी लग रही है इसको, तो गर्मी लग रही है बहुत ज्यादा। तो कुछ देर यहाँ पर बैठते हैं, और हम लोग जो है कुछ खाए भी नहीं है, आज का लंच किए भी नहीं है, तो लंच का व्यवस्था भी करना है। तो हम और रुद्र भाई चल रहे हैं जी कुछ खाने का सामान लाने के लिए, और यहाँ पर देख रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप को लेकर के जो है अच्छा खासा माहौल बना हुआ है, लगता है फुटबॉल के बहुत बड़ी फैन है यहाँ पर, और हॉर्स राइडिंग सब का भी एक्टिविटी सब देख रहे हैं यहाँ पर, तो मन तो कर रहा है हॉर्स राइडिंग करने का, तो देखते हैं पहले जाकर के खाना लाते हैं फिर करेंगे। A few moments later. तो हम लोग जी खाने की जगह ढूंढ लिए हैं, और यहाँ पर जो है अपने बिहार के ही भाई साहब है जो पराठा समोसा ये सब जो है सेल कर रहे हैं, हम लोगों ने ऑर्डर किया है पराठा, सत्तू पराठा भी मिलता है लेकिन आलू पराठा हम लोग खाएंगे। तो हमारा आ गया यहाँ पर परांठा, देख सकते हैं एक बचे हुए रुद्र भाई, एक और खा सकते हैं, देखिए एक और खा सकते हैं, पहले टेस्ट करना चाहते थे कैसा है, और क्रियांश को भूख लगी है, क्रियांश अपना भोजन ले रहा है, और उधर शिवांश तो है अपनी गाड़ी से खेल रहा है, तो अच्छा है जी अपने में मस्त है, छोटे बच्चे के साथ जी देखिए खाने में भी कितनी तकलीफ होती है, और देख सकते हैं उधर है क्रियांश एक हाथ में है और दूसरे हाथ से जो है जिया खा रही है, इसको बोल रहे हैं कि क्रियांश को थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दो, लेकिन क्रियांश को भी अपने पास रखना चाह रही है, झूठ बोलो। तो खाओ, तो पराठा तो हमने मंगाया ही, साथ में पूरी भी मंगा लिया है क्योंकि उसके साथ में हम लोग को मिलता सब्जी, यहाँ पराठा के साथ जो है कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है सब्जी, आपको अलग से पे करना पड़ेगा, कितना चार्ज है सब्जी का? 50 रुपया सब्जी का पूरी के साथ, ठीक है तब भी। तो हमने खाना खा लिया जी और भरपेट खाना खा लिया, यहाँ सब जब खाते हैं जी आलू पराठा और मतलब अपने घर के साइड का जो भी खाना सब रहता है तब संतोष मिलता है, ऐसा लगता है कि हाँ पेट भर गया है, अच्छे से भर गया है। यहाँ पर हम लोगों ने लाइव म्यूजिक सुन लिया और उसके बाद अब चल रहे हैं, लेकिन क्या है जी क्रियांश का जो है जूता हम लोग बिल्कुल, और बात क्या है कि क्रियांश का हम लोग जूता भूल गए हैं, तो क्रियांश का जूता कुछ यहाँ पर खरीद लेंगे, तो सुने कि आगे एक है शॉप तो वहीं पर जाते हैं, वुलेन वाला जूता ले लेंगे इसके लिए। हम गए थे क्रियांश के लिए शू लाने, तो क्रियांश का शू तो अभी नहीं मिला, एक जगह आंटी जी के पास मिला, ओए क्रियांश क्या हो गया, तो शू तो नहीं मिला लेकिन हमें यह मिल गया ग्लव्स, इसको ग्लव्स जो है फिर पहनाते हैं, और उसके बाद जो शू भी मिल जाएगा वो बिन रही थी उस समय,
150 रुपए में मस्त था एकदम बड़ा तक। मॉल रोड तो लगभग हो गया जी हमारा घुमा हुआ, और पीछे गए थे हम लोग एक कोई कॉलेज था वहाँ देखने के लिए, और इसी बीच में जो है क्रियांश चलते चलते सो गया, तो जब क्रियांश सो गया है तो अच्छा है, सोते सोते ही घूमेगा अपना। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ये आ चुके हैं हम एक मार्केट साइड, इसका नाम है महाकाल मार्केट है ना, यही नाम है इसका। हाँ जो भी हो, और यहाँ पे उलन का ड्रेस बहुत अच्छे अच्छे मिल रहा है, देख सकते हैं आप, जो भी उलन का कुछ भी लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छा मिल रहा है, और साइड से व्यू भी काफी अच्छा है। तो बहुओं को लेके पतिदेव चल रहे क्योंकि एक्सचेंज नहीं कर सकते गोदी क्योंकि बाबा सो चुका, नहीं तो उठ जाएगा। तो हम लोग जी पहुंच गए और यहाँ देख सकते हैं शॉप नंबर 84 का प्यारा सा सॉक्स आंटी जी ने, और जब हम आए थे ना उसी समय वो बुन रही थी, तो बोले कि आप 15-20 मिनट में आओ आपका हो जाएगा, बहुत प्यारा है, थैंक यू। तो क्रियांश का तो ले लिए जी जूता, और जिया अपना देख लिए कोई स्वेटर कोई अच्छा सा मिल जाए यहाँ तो, मेरे पास ऑलरेडी काफी है, तुम ले लो, ये आ जाएगा इनको, आ जाएगा मेरे लिए, हम सोचे तुम्हारे लिए है। अभी बहुत ठंड लग रही है, अभी हमने ले लिया ये मॉफलर और जा रहे हैं मॉल रोड से, तो हम लोग बाहर निकल रहे हैं अभी, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, सबको ही कंफ्यूज है कि किधर से आए थे और किधर जा रहे हैं। व्यू भी काफी अच्छा है, यहाँ देख सकते हैं आपका प्यारा है।